नमस्कार, मुझ स्वागत आपण स्वागत कर स्वागत मोटी ब्लॉग्स आज सका सकाल पी अफिस् जावाक पड़ी ये अफिस् जीवनटा भारी कष्ट लगुच ना कही ना किसी कही रात पहुँच तेन खाई पुणी शो ताप पी अफिस् चल आज पुणी कल तो मुझे बुलाबूली जापारे बहुत टायर्ड हो गली अफिस आसिक पुणी शो पड़ी आज सकाल हो गला पुणी अफिस जावाक पड़े मुझे रेडी हो गला नास्ता भी सरगला आज जल्दी जल्दी नास्ता भी करदे साढ़े सतटा मत बाहर अच्छे ठीक है चल तुम आज दिन कमी कटुच कोई बताएगा कितना हाइट पे सेफ्टी बेल्ट यूज करना चाहिए? 1.8 राइट। चलो ओके, सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करना है ऐसा घूम घूम के काम करना उसमें? वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको मालूम है कि सेफ्टी बेल्ट का यूज क्या है, कलर कोड क्या है, सेफ्टी बेल्ट में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? कौन सा है ये मंथ का कलर कोड? रेड कलर। सबको मालूम है रेड है? वेरी गुड। और ये सब चीज ग्राइंडिंग मशीन में भी यूज होगा, जो भी टूल्स है, जो भी रिगिंग टूल्स है, ये सब में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको चेक कराने का सुपरवाइजर से, इसमें कलर कोडिंग कराने का, राइट। इस चीज का ध्यान से रखना है। और साथ ही साथ जो भी आदमी जहां भी जिस एरिया में भी काम कर रहे हो, खासकर इसका फोल्डिंग टीम को मैं बोल रहा हूँ, वहां कोई भी क्लैंप, कोई भी पाइप, कोई भी प्लैंक्स ऐसा नहीं रखा जाना चाहिए। काम बिल्कुल नहीं है, अगर वहां होने वाला है तो उसको अच्छा से बैरिकेशन करके रखने का एक जगह पे, ना कि एक को इधर से उधर फेंकना चाहिए, ठीक है। सबको एक जगह जमा करके रखना चाहिए, ओके। ये सेम चीज सबके लिए लागू होता है। चाहे वो केबल मैनेजमेंट का काम हो, केबल का काम हो गया, रोल करके रख देना है। रेगुलेटर खासकर वेंडिंग मशीन का ध्यान रखना है, वेंडर टीम को पानी का टाइम है, कभी भी पानी आएगा बर्बाद हो सकता है, ओके ना। और मैं 60 डिग्री में आप उसको बैरिकेड कीजिए, बैरिकेड करने के बाद उसको ब्लैक और येलो टेप से मार्क कीजिए और फिर वहां पर रेडियोग्राफी एक्टिविटी का साइन बोर्ड वहां पर पोस्ट कीजिए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि उस एरिया में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स उसमें एंट्री ना कर पाए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर भी रेडियोग्राफी हो रही है, मान लीजिए कि आप नाइट में रेडियोग्राफी कर रहे हो, तो उस वक्त आपके पास वार्निंग लाइट और अलार्म होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से जो भी आउटसाइड में वर्कर्स है जो उस बैरिकेड के बाहर है, उनको आप इजीली अलर्ट कर सको कि इस एरिया में रेडियोग्राफी एक्टिविटी चालू है और यहाँ पर अनऑथराइज्ड पर्सन को आना मना है। फिर उसके बाद जो भी पर्सन रेडियोग्राफी का काम कर रहा है, तो उनके पास उनका पर्सनल डोसीमीटर उनके पास होना चाहिए और साथ ही में उनके पास डेली बैचेस भी होने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया।